अलवर जिले के शाहजहांपुर कस्बे की अनदेखी करते हुए ना तो उप तहसील बनाया गया और ना ही नगर पालिका, जिसके विरोध में कस्बे के व्यापारियों व कस्बे वासियों ने सार्वजनिक बैठक ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित कर राज्य सरकार को चेतावनी स्वरूप अपनी मांग को लेकर आज बाजार बंद है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बहादुर मीणा की अध्यक्षता में कस्बे वासियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कस्बे वासियों ने आरोप लगाया कि बीजवार चौहान में कृषि महाविद्यालय खुलने का श्रेय लेने के लिए तो राज्य सरकार के पक्ष व विपक्ष की ओर से होड़ मचाई हुई है, जबकि शाहजहांपुर कस्बे के उत्थान के लिए किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई है। अलवर जिले के शाहजहांपुर कस्बे की अनदेखी करते हुए यहां पर ना तो उप तहसील बनाया गया और ना ही नगर पालिका। यहां पर सरकार की लापरवाही सामने आई है, चाहे बात पक्ष की करें या फिर विपक्ष की। अलवर जिले के शाहजहांपुर में बात कर रहे हैं हम। वही मेरे साथ अलवर से संवाददाता पवन राजपूत जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है, इसमें किसको दोषी ठहराना सही होता है? बात अगर पक्ष की करे विपक्ष की करे, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी दीपिका, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, अलवर जिले के जो शाहजहांपुर कस्बा है, उसको अनदेखी को लेकर, उप तहसील बनाओ को लेकर आज व्यापारी काफी लामबंद है और इन्होंने पूरे बाजार को बंद कर दिया है और बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी ये कह रहे हैं कि किसी को यहाँ पर परवाह नहीं है, क्योंकि जिस तरह या तो इसको तहसील बनाओ या नगर पालिका, क्योंकि बीते दिनों जो कस्बा है, ये शाहजहांपुर कस्बा काफी पुराना है और औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी काफी चर्चित है और उसके बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाएं उनके अभाव में है। जी दीपिका, इसी को लेकर अभी व्यापारियों की बैठक चल रही है और प्रदर्शन जारी है। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? अगर ये जो भी बात, इसको नगर पालिका या फिर उप तहसील नहीं बनाया जाता है, तो ये प्रदर्शन जो है, दुकानें बंद है, पूरा मार्केट बंद है, वो कब तक जारी रहने वाला है? क्योंकि दीपिका, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर कस्बे के लेकर व्यापारी अभी इकट्ठा हो रहे हैं, उसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और चर्चा की जाएगी आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि जिस तरह आज व्यापारियों सहित सभी ने बाजार बंद कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए रणनीति बनाएंगे और किस तरह आगे की जो रणनीति रहेगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी और रणनीति के बाद ही आगे का आगामी फैसला लिया जाएगा किस तरह से रणनीति बनती है। जी दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।